श्रुति कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती है, और मैंने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। I'm sorry श्रुति, मैंने तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाला, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? हाँ पता है श्रुति, मैंने पिछले 2 महीने से एक भी आइसक्रीम नहीं खाई है। मैं पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गिफ्ट खरीद सकूँ। चाय भैया। हाँ। चाय भैया, मैंने 2 दिन से आइसक्रीम नहीं खाई। 2 दिन से? पता है मैंने तो 2 महीने से आइसक्रीम नहीं खाई। 2 महीने? सच? ठीक है, तो फिर निकालो पैसे, हम दोनों चलकर आइसक्रीम खाते। मैं तो नहीं खा पाऊंगा, पर तुम खा लेना। बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सारे। अरे पर सारे क्यों जिया? जय भैया, मैं आपके पास अगले 1 महीने तक पैसे लेने आऊंगी। लेकिन जिया, मुझे भी तो पैसों की जरूरत है ना। क्यों? अभी अभी तो आपने कहा कि आप आइसक्रीम नहीं खाओगे, तो फिर पैसे क्यों चाहिए? देखो मुझे वो, मुझे ना किसी के लिए गिफ्ट लेना है। गिफ्ट? अभी तो नहीं छोटा पापे और नहीं मेरा बर्थडे आ रहा है, तो फिर क्यों गिफ्ट लेना? अरे जिया, सिर्फ बर्थडे पर ही थोड़ी ना गिफ्ट देते हैं। मैं समझ गई। जॉय भैया, आपको आपकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट चाहिए ना? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बस एक और दो ना। एक और? प्लीज ना। ये लो। हाँ। चाय भैया, आप बताओ आप उसके लिए क्या गिफ्ट लोगे? मैं ना, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे गाल है जैसे, जैसे तुम्हारे गाल है जैसे छिले हुए आलू, मन करता है उनको पका के खा लूं। मैंने सब गड़बड़ कर दी, मैं दूसरी बार सुनाता हूँ। तुम्हारे बाल है जैसे, जैसे तुम्हारे बाल है जैसे घोड़े की पूंछ, तुम कहो तो मैं उगा लूं मूंछ। मैंने फिर से गड़बड़ कर दी, मैं अच्छी वाली दूसरी वाली सुनाता हूँ। हाँ, तुम्हारी आंखें हैं जैसे चमकती हुई लाइट, तुम्हारे दांत भी है बिल्कुल वाइट वाइट। मैंने फिर से सब गड़बड़ कर दी। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पोएम सुनाऊंगा तो तुम मुझे माफ कर दोगी, पर मैंने सब गड़बड़ कर दी, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? जॉय, तुमने मुझे अपनी बातों से इतना हंसाया कि मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। सच? सच। और वैसे भी तुम तो मेरे इतने प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? और हाँ, आगे से मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आज श्रुति पता रहा? आई चंगा मामा। ओके, बाय। बाय, श्रुति। थैंक यू। जॉय, जॉय। क्या हुआ? मुझे पता चल गया है कि कैप्टन कुकर अगले अटैक कहाँ करने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कैप्टन कुकर की करतूतों से डरकर लोगों ने बाहर खाना बंद कर दिया है, इससे हमारी पूरी बिरादरी की नाक कट गई है, और अब हम सब लोगों को मिलकर कैप्टन कुकर नाम की इस बला का अंत करना होगा। और इतने गंभीर मामले का डिस्कशन
बगैर चाय नाश्ते के तो नहीं होगा। वेटर। यस सर, यस सर, हम आ गए। यस सर, यस सर, यस सर। सर, वैसे आज खाने में क्या बनाया है? बेवकूफ, वेटर तुम हो या मैं? जाओ किचन से स्नैक्स लेके आओ। ओके सर। यस सर। मैंने तुझे कितनी बार कहा, हर बार तुम खाने की बात करते रहते हो, खाने की बात करते रहते हो। आज तो ऐसे अनोखे स्नैक्स बनाऊंगा कि ये शेफ की पूरी पलटन अपनी उंगलियां ही चबाती रह जाएंगी। हाँ? ये मैंने उंगलियां चाटने की बात तो सुनी थी, पर ये चबाने की बात तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जरा देखो तो इनका खाना खाकर मेरा उंगलियां चबाने का मन करता है या नहीं। बदतमीज, तुम वेटर हो और वेटर का काम होता है खाना खिलाना, और तुम हो कि जो खुद ही खाने में मुंह मार रहे हो। मैं तो चेक कर रहा था कि ये खाना बड़े बड़े शेफ्स को खिलाने लायक है या नहीं। ये तो बहुत ही गंदा खाना है। चीची, आपको खाना वाला बनाने कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं। कहां छुपे हो कैप्टन कुकर? मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं हो। हीरो बचो! स्टिंगरे करते कमाल, सुपर झटके से करते बेहाल। बहुत खूब, लेकिन इस पे कौन सा रे इस्तेमाल करोगे? बड़ों की लड़ाई में बच्चों को क्यों बीच में लाते हो? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। अब इसे बचाना चाहते हो तो ये जहरीला सूप पी जाओ। तो ये पिज्जा तुम्हें कच्चा चाहिए या पक्का? हीरो! मेरे किचन के सामान को तो कोई छू भी नहीं सकता। बोलो, ये सूप मंजूर है या इसका टेम्परेचर और बढ़ाऊं? बचाने के लिए ये तूने क्या कर दिया जॉय? मैंने तो बच्चों की रक्षा करने की कसम खाई है पापे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो जॉय। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा जॉय। चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो जॉय। बेटा, तुम्हारे इस दोस्त की हालत बहुत खराब है, इसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरी राय में तुम इसके घर वालों को बुला लो। ठीक है, मैं आंटी को बुला लेता हूँ। बाबू, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन क्यों निकाल दी? मुझसे ज्यादा लोगों की जान इम्पोर्टेंट है जो कैप्टन कुकर का शिकार बनने वाले। अरे तुम्हारी जान खतरे में, ये मत निकाल। जॉय तो कहाँ जा रहे? जॉय, मुझे सर कोई आदमी बचा सकता? कैप्टन कुकर,
लेट जाओ। प्लीज डॉक्टर, बेटा लेट जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। क्या मैं दुर्गा माँ का वचन पूरा किए बिना खत्म हो जाऊंगा? कैप्टन कुकर, कब तक छुपते रहोगे? हाँ हीरो, अब तक जिंदा हो? तुम्हें खत्म किए बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? सीधे खड़े होना मुश्किल है और मुझे मुझे खत्म करने की बात करते हो? लगता है जहर का असर पूरे जोर पर है। बस बस कुछ देर और। अगर आपने जहर मिटाने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो हीरो अब तक मर चुका होता। अमृतुंज तक पहुंचने का रास्ता जानने के लिए मुझे हीरो की जरूरत है। एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं तो उससे सच्चाई उगलवा लूंगा। उसके बाद तुम चाहे उसे मुर्गे की मौत मारो या बकरे की। सुना सुना, तुमने सम्राट तुमसे सच उगलवाना चाहता है और इस काम के लिए भी एक लजीज नुस्खा है मेरे पास जिसकी खुशबू से तुम तुरंत सच उगल दोगे। फ्राइंग पैन में आ जाए ऐसा खाना जिसकी खुशबू से सच बुलवाना। सारी शक्तियां खत्म हो गई। आज तक तुम प्रेशर कुकर की तकनीक का इस्तेमाल करते रहे, इसलिए तुम जब भी अपनी शक्ति इस्तेमाल करते थे तुम में से धुआं निकलता था। सम्राट की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। गलतियां तो तुमने बहुत सारी की, फुर्सत मिले तो तुम्हें धोकर साफ कर दूंगा।
पर फिलहाल तो मुझे यह नुस्खा उन बीमार शख्स को पिलाना है ताकि वो ठीक हो सके। अब चलो मेरे साथ।